हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉरर सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है द क्रीप एंड द वॉल्स। इस कहानी की शुरुआत होती है दो बहनें रॉबिन एंड हेली के साथ, जिन्हें अपने माँ के देहांत के बाद उनके पुराने कागजात में से उनके एंसेस्ट्रल हाउस के बारे में पता चलता है। तो दोनों एक दिन चले आते हैं घर को देखने। उन्होंने प्लान किया था कि इस घर को बेच देंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो लोग किसी बेटर जगह पर शिफ्ट कर जाएंगे। मगर वहाँ पहुँच कर सब कुछ देख कर उन्हें एहसास होता है कि घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब है घर की। काफ़ी हिस्सों में रिपेयरिंग की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में अगर उन्हें घर को बेचना भी है तो उससे पहले सब कुछ रेडी करना होगा, नहीं तो ऐसा घर कोई नहीं खरीदेगा, वो भी ऐसे सुनसान इलाके में। पहले दिन से ही काम पर लग जाते हैं दोनों। साथ में हेली कमरे में कैमरा भी फिट कर देती है, जिससे उनकी ये जर्नी रिकॉर्ड हो सके और सारे काम कंप्लीट हो जाने के बाद वो लोग देख कर एंजॉय कर सके कि उन लोगों ने कितना बढ़िया काम किया। उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कैमरा अपने आप ही 30 सेकेंड के बाद फोटो क्लिक करने लगती है। नीचे की सफाई कम्प्लीट करके वो लोग ऊपर आ जाते हैं अपने लिए बेडरूम सेलेक्ट करने। घर इतना स्पेशियस था कि उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा रूम किस चीज के लिए यूज करे। ऐसे में हेली को अपने लिए एक कमरा पसंद आता है, तो वो अंदर जाती है देखने और तभी उसके पीछे फ्लोरबोर्ड्स क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है रॉबिन आई होगी, मगर जब वो पीछे मुड़ती है उसे कुछ नहीं दिखता। कमरा बिल्कुल खाली था। बहुत अजीब लगता है उसे, लेकिन पुराने घर में ऐसे आवाजें होती रहती हैं, ये सोचकर इतना ध्यान नहीं देती वो ना। रॉबिन से कुछ कहती है, लेकिन देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर से हेली को अपने आसपास कुछ अजीब हादसे होते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली वो जब रॉबिन के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो लॉबी की लाइट अचानक से ही बार बार फ्लिकर करने लगती है। पहले कुछ बार तो वो इग्नोर करती है, मगर ये बार बार रिपीट हो रहा था। रॉबिन बहुत थक चुकी थी, खाना खत्म भी नहीं कर पाती। वो सोने चली जाती है और हेली जाती है खाने को फ्रिज में रखने। तभी अकेले कमरे में उसे फिर से वही क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है। ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है जैसे आसपास कोई चल रहा है, छुपके से कोई देख रहा है उसे। हेली को बहुत अनईजी फील होने लगता है, वो जल्दी से ऊपर जाके सो जाती है। मगर कुछ देर बाद अचानक से उसे नीचे से ड्रिलिंग की आवाज सुनाई देती है। एक बार नहीं, कई बार, वो भी लंबे समय से। उसे लगता है रॉबिन कुछ कर रही होगी, तो वो भी जाती है उसे कंपनी देने। मगर उसके नीचे जाते ही सब कुछ थम जाता है एकदम से। हेली को कोई नहीं दिखता, ना कहीं से और कोई आवाज आती है। बस वो लाइट फिर से फ्लिकर करने लगी थी जबकि वो ऑफ था, और पूरा कमरा एक बदबू से भर चुका था। हेली को अचानक से ही डर लगने लगा था। वो ऊपर भागती है। जाते वक्त उसके आवाज से रॉबिन भी जाग जाती है, लेकिन वो नींद में थी, कुछ समझने के हालत में नहीं। इसलिए इस बार भी हेली उससे कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन उससे पहले वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना नहीं भूलती, जिससे रात में उसके सोते वक्त अगर कमरे में कुछ हुआ हो तो उसे पता चले। मगर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है, वो देखती है फोन पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और रिकॉर्डर ऑफ भी हो चुका था। उधर तब तक रॉबिन जाग चुकी थी। अपनी टीथ ब्रश करते वक्त उसे गंदा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे उसके अलावा भी किसी और ने इसे यूज किया है। जरूर ये हेली का काम होगा, रॉबिन तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। मगर हेली से पूछने पर वो डिनाई करती है, भला वो ऐसा काम क्यों करेगी। ध्यान से देखने पर रॉबिन को अपने ब्रश में एक हेयर स्ट्रैंड भी मिलता है, पता नहीं किसका है। घिन से उल्टी आ जाती है उसे। इसके बाद वो जब कल रात का लेफ्ट ओवर नूडल्स ढूंढने जाती है, उसे वो भी नहीं मिलता। उसे फ्रिज में खाली बॉक्स मिलता है। इस बार भी उसे लगता है जरूर हेली ने ही खा लिया होगा, लेकिन वो सच नहीं था। भले रॉबिन उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन हेली को एहसास हो चुका था कि घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। क्या कारण हो सकता है इनके पीछे? चूहे फ्रिज खोलकर खाना चुरा तो नहीं सकते, तो फिर
ध्यान से देखने पर हेली को फ्रिज के पास एक निशान मिलता है जो किसी के फुटप्रिंट लग रहा था। वो श्योर नहीं थी, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मे बी वो ही ज्यादा सोच रही है, इसीलिए चुप रहने की डिसीजन लेती है हेली। मगर वो ओडर फिर से चारों तरफ फैल चुका था। रॉबिन भी स्मेल कर पा रही थी उसे। दोनों को ही लगता है जरूर पाइप्स में कुछ फंसा होगा, मे बी कोई डेड एनिमल, कल ही प्लम्बर को बुलाना होगा। घर में बहुत सारे काम अभी भी बाकी थे, तो एक और दिन गुजर जाता है उन्हें समेटने में। और जैसी रात आती है, हेली के साथ फिर से अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो उसे अपने कमरे का दरवाजा खुला मिलता है, जबकि उसे याद है उसने बंद करके सोया था। जल्दी से वो अपने फोन के रिकॉर्डिंग्स चेक करती है। फॉर्चुनेटली इस बार कुछ रिकॉर्ड हुआ था, जिसे प्ले करते ही हेली को सुनाई देती है कुछ आवाजें, किसी के फुटस्टेप्स, जो इंडिकेट कर रही थी कोई इस कमरे में आया था उसके बहुत पास। इस हादसे के बाद हेली की और हिम्मत नहीं होती इस कमरे में रुकने की। वो भागती है अपने बहन के कमरे में, उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाने की कोशिश करती है, मगर वो सो चुकी थी, तो हेली भी सो जाती है। और जब सुबह जागती है, वो रिकॉर्डिंग्स गायब हो चुके थे। इट्स सो स्ट्रेंज। ऑफ कोर्स रॉबिन उस पर ध्यान नहीं देती और ना हेली उसे कोई सबूत दे पाती है। उस दिन वो लोग एक प्लम्बर को बुलाते हैं घर के पाइप्स चेक करने के लिए। साथ में उन्हें सामान भी खरीदने थे, तो वो उस प्लम्बर को काम करने के लिए कहकर खुद दुकान की तरफ रवाना हो जाते हैं। और उनके जाते ही उस आदमी को घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। उन्हें लगता है वो लोग वापस आ गए होंगे, मगर बार बार बुलाने पर भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और जैसे ही वो फिर से काम पे लगते हैं, कोई पीछे से उन पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद हेली और रॉबिन घर लौट आते हैं। उन्हें घर में कोई नहीं दिखता। वो लोग उस आदमी के नंबर पे कॉल भी करते हैं, मगर फोन ऑफ आ रहा था। वो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते क्योंकि उन्होंने अभी तक पे नहीं किया था, तो पैसा लेने तो उसे वापस आना ही होगा। दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं और हेली जब कैमरा ऑन करने जाती है, वो देखती है कैमरा ऑलरेडी ऑन है। ये कैसे हो सकता है, कल उसने खुद काम के बाद इसे ऑफ किया था। रात में जब वो फुटेज चेक करने बैठती है, तब उसे इसका जवाब मिलता है। कुछ फोटोज में उसे एक साया नजर आता है, as if कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। ये उनमें से तो कोई नहीं था। इस शख्स ने एक वाइट गाउन पहना था, तो हेली को लगता है जरूर ये उनके माँ की आत्मा होगी। शायद वो उन पर नजर रख रही है और शायद उन्हीं के प्रेजेंस के कारण पिछले कुछ दिनों से इस घर में ये सब कुछ हो रहा है। रॉबिन को उसका ये लॉजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उसे भी ये सब इमेजिन करने से मना कर देती है। मगर क्या सब कुछ सिर्फ उसका इमेजिनेशन था? शायद नहीं, वो उसी रात साबित हो जाता है। उस रात जब दोनों एक साथ सो रहे थे, तो रॉबिन को अचानक कहीं से आवाज सुनाई देने लगती है, as if नीचे कोई खिड़की खुली हो। तो हेली जाती है चेक करने। उसे वो खिड़की भी मिलती है, लेकिन जैसे ही उसे बंद करके वो पीछे मुड़ती है, अंधेरे में उसे एक फिगर नजर आता है, काफी वियर्ड स्ट्रक्चर का। डर से चीखने लगती है हेली। ऊपर रॉबिन की नींद भी टूट जाती है और वो अपने बहन को लेकर बाहर की तरफ भागती है। जाते वक्त उनकी नजर पड़ती है एक प्लास्टिक शीट के ऊपर, जिस पर उनके माँ का नाम लिखा था, वो भी खून से। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि घर में कोई घुसा है, लेकिन उसे उनके माँ के नाम कैसे पता? किसी तरह अपने गाड़ी तक पहुंचकर वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। तभी हेली नोटिस करती है वो आदमी खिड़की से झांक रहा है, उन पर नजर रख रहा है। मगर जब पुलिस आती है, उन्हें घर में कुछ नहीं मिलता। पूरे घर को सर्च करके भी ना कोई प्लास्टिक शीट जिस पर खून से नाम लिखा गया हो, ना कोई अजीब आदमी, जरूर भाग गया होगा। उस रात से ही रॉबिन हर कमरे में कैमरा लगा देती है, जिससे इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ फिर से हो, तो वो लोग कैप्चर कर सके। नेक्स्ट डे रॉबिन हेली को घर का फ्लोर प्लान लाने भेजती है, जिससे उन्हें रेनोवेशन करने में आसानी हो। मगर जब हेली उस प्लान को देखती है, पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है उसने गलत प्लान उठा लिया है, क्योंकि इस घर का प्लान रियलिटी से मैच ही नहीं कर रहा था। मगर ध्यान से देखने पर वो समझ पाती है ये वही घर है, बस दो कमरा एक्स्ट्रा है नीचे। किचन के पास
कुछ एक्स्ट्रा एरिया जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। रॉबिन से जाके बताने पर वो चेक करने की डिसाइड करती है। पैंट्री की तरफ दीवार पे एक शेल्फ बना हुआ था। वो जैसे उसके पीछे के वुडन फ्लोर को हटाती है, पीछे दिखाई देता है एक क्रॉल स्पेस। दोनों समझ पाते हैं ये जो बदबू उन्हें पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रही है उसका सोर्स यही है। रॉबिन घुस जाती है अंदर और उसे पता चलता है अंदर सच में ही एक बहुत बड़ा स्पेस है, लेकिन वहां बहुत सारी चीजें बिखरे पड़े थे और एक बेड भी। उसके हालत से रॉबिन समझ जाती है उस पर कुछ देर पहले भी कोई लेटा था, मतलब कोई है इस घर में। उसे बहुत डर लगने लगता है। वो हेली से कहती है पुलिस को कॉल करने के लिए, मगर हेली को अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था, जबकि उसे याद है उसने सोफे पर छोड़ा था। जब रॉबिन उसके नंबर पे कॉल करती है तो फोन की घंटी सुनाई देती है सोफे के पीछे से। नहीं, वो फोन गिरा नहीं था, असली मामला कुछ और ही था। सोफे को हटाने पर उन्हें वहां एक सीक्रेट ओपनिंग मिलता है जिसे दीवार के एक छोटे से सेक्शन को काट के बनाया गया था और अंदर सुरंग बना हुआ था। रॉबिन को जानना था ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, तो वो क्रॉल करके आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर जाते ही कुछ लटकते हुए वायर से टकरा जाती है। ठीक तभी बाहर लाइट फ्लिकर करने लगा था। इसका मतलब हेली का शक बिल्कुल जायज था। उस रात कोई था लिविंग रूम में जो उसके आते ही शायद इसी सुरंग से भाग गया होगा और हड़बड़ी में उससे वायर्स टच कर गए होंगे जिससे लाइट्स फ्लिकर करने लगा था। हेली को अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है। साथ में वो जब कैमरा में चेक करती है उसे वहां भी एक आदमी इसी सीक्रेट डोर से निकलते हुए दिखता है, बिल्कुल किसी रिप्टाइल की तरह। ये वही आदमी था जिसे उसने कल रात देखा था। उधर रॉबिन और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स डिस्कवर करती है। उसे पता चलता है ये टनल ऑलमोस्ट पूरे घर को ही कवर कर रहा है और इसके दीवार पे जगह जगह होल्स बने हुए हैं, उनके किचन, बेडरूम, हर तरफ। मतलब जब से वो लोग इस घर में आए हैं कोई उन पर नजर रख रहा है, उनके हर एक प्राइवेट मोमेंट को देख रहा है। इसका मतलब हेली बार बार इसी के पैरों की आवाज सुनती थी, यही आदमी उनका खाना चुराता था और यही जरूर रात में उनके कमरे में भी जाता था। जैसे ही हेली को ये सारी बातें रियलाइज होती है वो पैनिक करने लगती है। रॉबिन अभी भी अंदर है और वो आदमी भी, उन्हें कोई आइडिया नहीं वो कितना खतरनाक है, क्या क्या कर सकता है। तो वो अपनी बहन को जल्दी से बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन निकलने का रास्ता मिले तब बना। अंदर तो जैसे मेज बना हुआ था, लौटने का रास्ता भी भूल चुकी थी रॉबिन, किस तरफ जा रही थी उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। टेंशन में बस इधर उधर भागने लगती है वो, और ठीक तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है और ये कहता है कि ये घर उसका है, वो यहाँ और किसी को रहने नहीं देगा। बिल्कुल किसी पागल जानवर की तरह ग्राउल कर रहा था वो। भागते वक्त रॉबिन को उसी टनल में प्लम्बर की लाश मिलती है जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। ये पागल तो एक खूनी भी है, रॉबिन चिल्लाने लगती है और हेली को अंदर जाना पड़ता है उसे बचाने। जैसे तैसे उस आदमी को जख्मी करके रॉबिन को तो छुड़ा लेती है वो, लेकिन वो आदमी उनका पीछा करना बंद नहीं करता। इससे होता ये कि भागा दौरी में दोनों बहन अलग हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली रॉबिन को एक एग्जिट मिल जाता है जिससे वो मेन घर के बेसमेंट तक जा पहुंचती है, मगर हेली वो बेचारी अंदर फंस चुकी थी। वो आदमी पागल की तरह उस पर झपट पड़ता है, उसे चोक करके मारने की कोशिश करता है। हेली के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उसे रोक पाना। बाहर रॉबिन भी इक्वली कोशिश कर रही थी उसकी मदद करने की। वो एक हथौड़े से दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगती है जिससे हेली और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इस आदमी ने उसे भी दीवार की तरफ ही पकड़ रखा था। वो रॉबिन को कैसे समझाए कहाँ एम करना है और कहाँ नहीं। रॉबिन के पास भी और कोई उपाय नहीं था, वो रैंडमली स्टैप करने लगती है, कुछ भी करके उसे दीवार को तोड़ना था बस। मगर ऐसे एक वार के बाद अपने हथौड़े में उसे खून दिखता है। वो डर जाती है, कहीं उसने अपने बहन को ही तो खून नहीं कर दिया। वो जोर जोर से हेली को बुलाने लगती है, लेकिन हेली कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। टेंशन और डर में रोने लगती है रॉबिन, और ठीक तभी उसे दीवार के पीछे से हेली की आवाज आती है। वो सेफ है, मौत उस आदमी की हुई है
वो खून उसी आदमी का है, उसी के माथे पर वार किया है रॉबिन ने। फाइनली हेली बाहर निकल आती है और उसी दिन रॉबिन के साथ ये घर छोड़ देती है। अब जो करना है पुलिस करेगी। बाद में उन्हें पता चलता है वो आदमी असल में इस घर का लास्ट टेनेंट था। जब रॉबिन एंड हेली के मां ने उन्हें इविक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने इसी घर में एक सीक्रेट सेक्शन बना लिया जिससे वो यहीं पर रह सके बिना रेंट के और किसी को पता भी ना चले। पता नहीं कितने सालों से वहां रह रहे थे वो। जब हेली और रॉबिन घर को रेनोवेट करने लगे वो डर गया। एक ना एक दिन वो हमला करने ही वाला था, शायद छुपके से, जो रॉबिन के क्यूरियोसिटी की वजह से प्रिपॉन्ड हो गया। जो भी हो, इस घर में बस कुछ दिन के अंदर उनके साथ बहुत कुछ हुआ था, स्पेशली हेली के साथ। अपने आंखों के सामने किसी को मरते देखा था उसने। उसके जैसे एक सेंसिटिव लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्या ये याद है वो कभी भुला पाएगी? शायद नहीं। अगले सीन में हम उन्हें एक नए घर में शिफ्ट करते हुए देखते हैं। ये न्यूयॉर्क शहर में ही है, कोई सुनसान इलाके में नहीं, तो यहाँ वैसा कुछ होने का कोई चांस नहीं है। मगर फिर भी एक रात हेली के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और दीवार से सुनाई देती है कुछ अजीब आवाजें, बिल्कुल पिछली बार की तरह। वही फ्लोरबोर्ड क्रैकिंग्स, वही फुटस्टेप्स। तो क्या इस घर में भी कोई छुपके से उन पर नजर रख रहा है? जैसे ही हेली दीवार पे कान रख के ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, उस तरफ से कोई उस पर हथौड़े से वार कर देता है। डर से चिल्लाने लगती है हेली और ठीक तभी उसकी नींद टूट जाती है। ये बस उसका एक सपना था, एक बहुत ही भयानक सपना जो पिछले घर के एक्सपीरियंस के कारण उसे हर रात परेशान कर रहा है। अभी वो कहीं भी जाए, कितनी ही सेफ क्यों ना जगह हो, कहीं भी वो सिक्योर महसूस नहीं करती। उसे हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि कोई है, कोई देख रहा है उन्हें, कोई उन्हें मारना चाहता है। अब इस डर से कब वो आजाद हो पाएगी, ये तो उसे भी नहीं पता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी काफी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।